हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। तो देखिए, आज हम ये आपके पास डिज़ाइन लेकर आए हैं सिंगल कलर का। आप चाहे तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, और जेंट्स स्वेटर में बनाएंगे या लेडीज़ कार्डिगन में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के होल प्रोजेक्ट में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज ये हम व्हाइट कलर से डिज़ाइन बनाएंगे, और ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाकर तैयार किया है। और ये एक सिलाई मैंने सीधी साइड से सीधी और बैक साइड से भी, मतलब कि उल्टी साइड से भी सीधी, ये जो हमारे गांठ वाले फंदे आए हैं ये आ गए हैं। तो अब हम राइट साइड से, वैसे तो हमें ये दो सिलाई बनानी है, सीधी साइड से भी उल्टी, मतलब कि अपनी तरफ से और सीधी साइड से भी और बैक साइड से भी। अभी हम इसमें डालेंगे अपना पैटर्न, और बहुत ही ईजी सा, और इसको हम मल्टी कलर में भी बना सकते हैं चाहे हम सिंगल कलर में बना ले। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सीधी राइट साइड से अब हम आ गए हैं। राइट साइड से चाहे तो हम स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाने के बाद सीधी साइड से पहली लाइन जो बनाएंगे वो उल्टी उल्टी, और उल्टी साइड से सीधी सीधी दो लाइन कंप्लीट करेंगे। मैंने एक लाइन बनाई है ये एक रो। नेक्स्ट ऊपर के पैटर्न जब हम दोबारा से रिपीट करेंगे तो अब हम दो रो जो है उल्टी बना लेंगे। तो अभी हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पैटर्न हमें क्या करना है, देखिए पहले जो हमारा फंदा है उसको हम एजिट उतार लेंगे, और धागे को बैक साइड में लेके जाएंगे, और हम यहाँ पे सिक्स फंदे जो है वो सीधे सीधे बना करके कंप्लीट करेंगे। टू बन गए हमारे, थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स फंदे बन गए हैं। देखिए इसको छोड़ के, एजिट को छोड़ के सिक्स फंदे हमारे यहाँ पे बन गए हैं ये। अब हमें क्या करना है, धागा अपनी साइड लेके आना है और दो फंदों को स्लिप करना है। फिर से धागा बैक साइड लेके जाएंगे और सिक्स फंदे जो है हम बना लेंगे फिर से राइट साइड से सीधे सीधे। थ्री बन गए, फोर फाइव और सिक्स, सिक्स फंदे बन गए। फिर धागा अपनी साइड लाए, दो फंदे हमने सीधे उतार लिए। फिर धागा पीछे, सिक्स फंदे फिर से बनाएंगे। टू बन गए, थ्री फोर फाइव और सिक्स। ये देखिए, ये वाले फंदे हमने स्लिप किए थे और ये सिक्स फंदे हमने बना लिया है। दो फंदे फिर से स्लिप, धागा पीछे, फिर सिक्स फंदे रिपीट करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर तैयार हो गई है, सिक्स फंदे वही रिपीट किए हमने। अब आती है हमारी बैक साइड से सेकेंड रो। देखिए, ये फंदा मैजिट उतार लेंगे, और ये फंदे जो हमने सिक्स उधर से सीधे बनाए थे, इधर से हमारे ये उल्टे उल्टे जो है बन करके कंप्लीट होंगे। ये देखिए, अब आ जाते हैं ये हमारे जो हमने स्लिप किए थे, इनको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे अपने फंदों को। फिर से ये बनाएंगे, देखिए आती है थर्ड रो। थर्ड रो में फिर से वही रिपीट होगा, ये हम सीधे सीधे बना लेंगे पहले। ये देखिए, ये फंदे हमारे आ गए जो हमने स्लिप किए थे, अब इनको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, और फिर से ये सिक्स फंदे जो है वो बना लेंगे। फिर से स्लिप वाले फंदे आ गए हमारे। देखिए, अब आ गई है हमारी फोर्थ रो। फर्स्ट हमारी साइड से राइट साइड से, फिर बैक साइड से सेकंड, फिर राइट साइड से थर्ड, अब आती है फोर्थ रो। ऐसे ही हम ये अपनी फोर्थ और फिफ्थ रो तक बनाकर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पहले बनाई है। इसमें भी हम उल्टे उल्टे बना लेंगे सिक्स फंदे, और जो स्लिप किए हुए हैं वो स्लिप कर देंगे। देखिए, ये अलग से पता चल जाते हैं हमारे स्लिप वाले फंदे। ये रो हम फोर्थ और ऐसे ही फिफ्थ बना करके कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स ये आ गई है हमारी फिफ्थ रो भी जैसे हम सेम हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनी है ऐसे ही राइट साइड से ये फिफ्थ रो फाइव जो फंदे हैं सॉरी सिक्स ये हमें सीधे बनाने हैं, दो फंदे हमें स्लिप करने हैं ऐसे ही बना करके कंप्लीट करनी है फिफ्थ रो तक, और फिर जो हमारी सिक्स रो आएगी उसमें हमारा थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज होगा। ये फिफ्थ तक हमें ऐसे ही बनाना है, ये स्लिप वाले फंदे स्लिप होंगे और जो बनाने वाले हैं वो बनाए जाएंगे। तो चलिए ये वाली रो भी बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर सिक्स रो में बताते हैं आपको ये कैसे करना है। ये आती है अब हमारी सिक्स रो, सिक्स रो में हमें क्या करना है सारे ओल स्टीच जो है सारे ओल फंदे हमें इसमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए सिक्स फंदे जो हम उल्टे बना रहे थे अपने और ये दो फंदे स्लिप कर रहे थे, अब की बार ये दो फंदे भी हमें बना लेने हैं। और अगर हम इसमें दूसरा कलर लगाना चाहते हैं, मतलब सिंगल कट से नहीं बनाना है, तो फिर हम सिक्स रो से उल्टी साइड से जो है अपना कलर चेंज करेंगे। जो ये हमारी उल्टी उल्टी बनेगी पूरी रो, यहीं से हम इसमें कलर चेंज करेंगे अपना। मैं सिंगल कलर से ही बना रही हूँ ये, अगर आप अलग कलर से अगर एक्स्ट्रा कलर भी लगाना चाहते हैं तो ये फाइव रो बनाने के बाद डिजाइन की आपको सिक्स रो में जब बैक साइड से आए तो हमें इसमें कलर चेंज करना है अपना। ये देखिए हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये रो हमारी सिक्स रो यहाँ तक के कंप्लीट हो गई है बन करके। अब आती है हमारी सेवन्थ रो, सेवन्थ रो में हमें क्या करना है, अब हम राइट साइड से आए हैं तो राइट साइड से ये वाली रो जो है हम उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट करेंगे अपनी। ये रो हमें उल्टी बनानी है सीधी साइड से भी, सीधी साइड से भी हम उल्टे उल्टे ये बनाएंगे। पूरी रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आते हैं उल्टी साइड से, उल्टी साइड से भी हम ये रो जो है सीधी तरफ को बनाएंगे, बस नहीं ऐसे सीधा सीधा बना करके ये उल्टी साइड से कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमें सीधा सीधा बनाना है, सीधी साइड से हमने उल्टा बनाया और उल्टी साइड से अब सीधा सीधा बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे अपनी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब ये हमने टू लाइन उल्टी उल्टी बना करके सीधी साइड से भी उल्टी बनाई है और उल्टी साइड से हमने ये सीधी बनाई है, तो अब हमारा जो है यहाँ पे पैटर्न जो है वो चेंज होगा। तो अब हम कैसे बनाने, देखिए जैसे हमने ये दो फंदे थे हमारे ये स्लिप वाले, ये हमने जो स्लिप किए थे, अब ये दो फंदे हमारे सिक्स वाले डिजाइन में बीच में आएंगे, यानी कि ये टू फंदे तो ये हो जाएंगे और टू फंदे इधर से और टू फंदे इधर से, यानी कि ये सिक्स फंदे बीच में आएंगे और ये दो फंदे अब यहाँ पहुंच जाएंगे। तो पहला फंदा जो है स्टार्टिंग में वो तो हम उतार लेंगे, फिर दो फंदे जो है हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे हमने सीधे बना लिए, अब ये दो फंदे हैं हमारे, देखो ये स्लिप वाले ये वाले दो फंदे हैं, तो दो फंदे हम इधर से लेंगे और दो इधर से लेंगे सिक्स। अब हमारे पास बचेंगे दो फंदे, तो इनको हम जो है स्लिप कर लेंगे ऐसे, ये वाले फंदे हमारे स्लिप हो जाएंगे। धागा अपनी साइड लगा के ये हमने फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे ले गए, अब ये सिक्स फंदे हम बनाएंगे सीधे, टू थ्री सिक्स फंदे ये बन गए। ये देखिए ये सिक्स फंदे हमारे यहाँ बीच वाले बन गए, ये दो फंदे बीच के आ गए, दो इधर से बनाए दो इधर से, दो ये हमने यहाँ पे स्लिप कर दिए हैं अपने फंदे, तो ये हमारे टू फोर सिक्स हो गए। अब टू फंदे फिर से हम यहाँ पे ये स्लिप करेंगे बैक साइड से, फिर सिक्स फंदे बनाएंगे। देखिए ये टू फंदे हमारे फिर से यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, दो इधर से ये दो फंदे पहले वाले और दो ये सिक्स फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। तो बस अब ऐसे ही ये सिक्स फंदे हमारे रिपीट होते जाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है पैटर्न चेंज होते टाइम। ये अब हमने ये कितने बन गए हमारे, ये स्लिप किए थे फोर और टू और बने सिक्स। अब पूरी लाइन रो में हम ऐसे ही इसको रिपीट करेंगे सिक्स फंदों को, ये टू फंदे जो है स्लिप करेंगे, सिक्स फंदे फिर से बनाएंगे उल्टी साइड से ऐसे ही, फिर हमें सिक्स फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप करनी है। देखिए ये हमारे पैटर्न की वैसे तो सिक्स सेवन्थ एट रो आई है, लेकिन अगर जैसे हमने ये सेकंड रो बनाई थी अपनी बैक साइड से ऐसे हम बनाएंगे अब। ये देखिए ये जो हमने फंदे उधर से सीधे बनाए हैं ये अब हमारे उल्टे बनेंगे, इनको हम ऐसे उल्टे बना लेंगे। अब ये देखिए ये दो फंदे जो हमने स्लिप किए थे ये हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे एडिट, फिर ये नेक्स्ट फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे इस साइड में रो में, ऐसे ही हमें बनाते हुए जाना है। जो फंदे हमारे उल्टे बन रहे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधे बनाए थे बैक साइड से राइट साइड से वो अब उल्टे बनेंगे और जो स्लिप किए थे वो स्लिप कर लेने हैं। ऐसे ही हमारी फाइव रो बनकर कंप्लीट होगी, जैसे हमने ये पैटर्न की फर्स्ट रो बनाई और सेकंड रो बनाई, ऐसे ही फाइव रो और बनेंगी सिक्स रो से, फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो चेंज होगा। पहले हम दो लाइन ये ऐसे दो रो हमने जैसे ये बनाई है उल्टी सीधी साइड से
सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे, ऐसे ही बना के फिर ऊपर पैटर्न स्टार्ट होगा। तो चलिए एक बार मैं ये पैटर्न आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न बनकर जो है तैयार हुआ है और ऐसे इसका कुछ फाइनल लुक आएगा। ये ऐसे जिगजैग की शेप में बनकर ये तैयार होगा। और ये वाला डिजाइन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है बनाना भी। और इसको हम क्या ना जेंट्स स्वेटर में बनाएंगे या लेडीज कार्डिगन में, स्वेटर में, कोटी में, या फिर बच्चों के में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक देगा ये हमारा। इसका देखिए व्हाइट कलर में कितना सुंदर बनकर ये आया है। और इसको हम मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मल्टी कलर में जब हम बनाएंगे, जैसे हमारा 6 रो का ये पैटर्न है, 5 रो हमारी जैसे फर्स्ट रो बनेगी, फिर सेकंड रो, फिर 5 रो, तो ऐसे ही बनाएंगे। सेम 6 जो रो बनेगी वो बैक साइड से उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे। और फिर 7 जो ये 2 रो बनेंगे हमारी, 7 रो जो बनेगी राइट साइड से, वो भी हम अपनी तरफ को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। और जो फिर 8 रो आएगी वो भी हम उल्टी साइड से सीधे तरफ सीधा बनाएंगे। तो ऐसे ये 2 रो बनकर आएंगी, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा। ऐसे ही फिर देखिए, जैसे हमने पहला पैटर्न बनाया, फिर उसके ऊपर बनाया, फिर जैसे पहला बनाया था ऐसे ही थर्ड नंबर पे बनेगा, और फिर जैसा सेकंड बनाया था ऐसा 4th नंबर पे बनेगा। तो यही 6 रो हमारी जो है रिपीट होते जाएंगे, बीच में 2 रो ये हमारी उल्टे वाले फंदों की आएंगी। तो ऐसे ये हमारा जिगजैग में बनकर डिजाइन जो है तैयार होगा, इस शेप में ये बनकर आएगा। और सिंगल कलर में बना लो या हम इसको मल्टी कलर में बना लो, कलर यूज करेंगे तो जब हमारी 6 रो में जब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो उससे हमारा जो है कलर दूसरा ऐड होगा 6 रो में बैक साइड से। तो देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा डिजाइन ये बनकर तैयार हुआ है। आई होप आप सबको भी ये सब डिजाइन जो है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, डिजाइन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ, नए अच्छे से डिजाइन के साथ, पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।